आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। एक दिन बच्चों से दूर रही तो रोने लगी, बोली प्लीज बच्चों से मिलवाओ। हत्या की आरोपी गुड़िया को जेल भेजा गया। आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर। अपने देवर के 7 माह के मासूम को निर्मम तरीके से पानी की बाल्टी में डुबोकर मारने वाली मृतक गुनी की ताई बड़ी मम्मी गुड़िया अपने किए पर अब रो रही है। एक दिन अपने बच्चों से दूर रहने पर उसे उनकी याद सताने लगी। पुलिस अधिकारियों से रोते हुए बच्चों से मिलवाने की विनती करती नजर आई। बोली की गलती हो गई है, गुस्से में मैंने गलत कर दी, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह पा रही हूँ तो मेरी देवरानी सुबह का क्या हाल हो रहा होगा, प्लीज मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दो। कुछ इस तरह बुधवार को पुलिस अधिकारियों के सामने विनती करती रही हत्या की आरोपी गुड़िया माली। बर SHO सुखदेव सिंह ने बताया कि एक दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर बुधवार को उसे बर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बता दें कि बर के नई कॉलोनी में रहने वाले उमर राज चौहान के 7 माह के बेटे ब्रह्मास गुनू की 2 जुलाई को पानी की बाल्टी में डुबोकर किसी ने मार डाला था। जांच के बाद पुलिस ने मामले में मृतक गुनू की ताई को 30 साल की गुड़िया पत्नी उत्तम चंद माली को हिरासत में ले लिया था, जिसने मासूम गुनू की हत्या करना स्वीकार किया था। पुलिस को उसने बताया कि वह अपने एक बेटे को देवर को गोद देना चाहती थी, जिससे कि संपत्ति का बंटवारा ना हो, लेकिन 7 माह पहले गुनू के जन्म होने से उसका यह सपना उसे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और देवरानी शोभा ने जब से गुनू को जन्म दिया परिवार में उसकी इज्जत बढ़ गई, सास ससुर भी उसे ज्यादा तवज्जो देने लगे। इससे वह परेशान थी और उसने 2 जुलाई को जब परिवार के लोग मोहल्ले में सामाजिक प्रोग्राम में गए, तब उसने नींद में सो रहे गुनू को पानी की बाल्टी में उल्टा डाल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट।